I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the day. So what's up guys, welcome back to my channel और एक नए vlog पे बहुत ही ज़्यादा time बाद आप सभी का स्वागत है। तो भाई आपको एक नए मेहमान से अपने मिलवाना है जो कि हमारे साथ है, हमारे हैंकॉक। तो ये अपना नया फैमिली मेम्बर है, इधर से दिखाता हूँ, ये रहा, ये अपना नया फैमिली मेम्बर है। और इतना लंबा ब्रेक होने का रीज़न ये था, यूट्यूब से इतना लंबा ब्रेक होने का रीज़न कि जो मैंने उत्तराखंड राइड में गया था उसके बाद मेरे को कोरोना हो गया था, तो रिकवरी में टाइम लग गया और इतना ज़्यादा यार उसके बाद मैं पॉसिबल नहीं हो पाया कि व्लॉग्स वगैरह शूट करूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, इतना नेगेटिव टाइम चल रहा है, हर चीज़ चल रहा है, तो बहुत सारी। ये देखते हैं कहाँ जाना है बेटा, हैंकी, हैंकॉक, हैंकॉक, हैंकॉक। तो भैया आज इनका वैक्सीनेशन होने जा रहा है, भाई साहब जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, अभी गाड़ी में बैठे हैं तो ये पगलाने लगते हैं गाड़ी में बैठ के। तो अभी मैं जाऊँगा, उज्ज्वल को लूँगा और फिर इनको ले जाएंगे अलीगंज वेटनरी क्लिनिक, जहाँ पे हमेशा जाता हूँ, डॉक्टर खान के पास, वहाँ इनका वैक्सीनेशन कराएंगे। अंदर तो मैं शूट नहीं करने वाला हूँ लेकिन पूरी डिटेल्स आपको बताता हूँ। एंड ही इज़ अ मेल एंड ही इज़ ऑफ 48 डेज टुडे, आज 48 डेज का हो गया ये, और हैवी बोन मतलब गुड थिक कोट पे रॉटवाइलर है। तो हैंकॉक से मिल लीजिए आप लोग, ये रहा हैंकॉक, हैंकॉक हाई कर दो, हैंकॉक। तो लोग कहते हैं बहुत एग्रेसिव डॉग होता है यार, आपके ऊपर है, आप कैसा रखते हो इनको, बेटा बेटा मेरा। तो भाई चलता हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है इसका, तो इनको भाई साहब को, हाँ बेटा रुक जाओ, तुम बैठो चल के अपनी सीट पे, ये रही इनकी सीट, तो इनको बैठालते हैं फिर वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के यहाँ ले चलते हैं। फिर अभी आपको मिलता हूँ, उज्ज्वल इसको आ जाए थोड़ा सा हैंडल कर ले, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है बेटा। तो भाई साहब ऐसे बैठ जाते हैं शांति से, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है गाड़ी में अकेले, इसलिए मैं किसी फ्रेंड को ले लेता हूँ साथ, क्योंकि अभी ये बहुत छोटा है और गाड़ी भी बहुत ज़्यादा ध्यान से चलानी पड़ती है। फिलहाल तो यार मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोग से कि अपने घर से निकलें ऐसे में, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पे है, बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम चल रहा है अपने इंडिया के लिए। बस सब लोग घर पे रहें, सेफ रहें और पॉजिटिव रहें यार, बस यही उम्मीद है सबसे। कुछ ज़रूरी चीज़ें जिसके लिए निकलना पड़ता है, जैसे इनकी वैक्सीन जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके बिना फिर दिक्कत हो जाती है। तो भाई साहब वैक्सीन के लिए जा रहे हैं हमारे, मतलब बेटा ही है मेरा, है ना, हैंकी, हैंकॉक, हैंकॉक, गुड बॉय, गुड बॉय। एंड हाँ, एक सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसके लिए मुझे आपको गाड़ी रोक के बतानी पड़ेगी, तो साइड में पहले गाड़ी रोकते हैं। तो भाई हैंकॉक की कहानी की कहाँ से, एक मिनट, तो यार हाँ, हैंकॉक की कहानी की कहाँ से आया, कैसे, कितने का लिया। तो भाई पहली बात, कितने का लिया मुझे नहीं पता, क्योंकि ये अभी तक का मेरी लाइफ का सबसे प्रीशियस गिफ्ट है जो किसी ने दिया है मुझे। और जिस किसने दिया है मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी आपने मेरी बनारस की सीरीज, जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है वो जानती होगी अभय भैया को, जो बनारस के हैं, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है ये हैंकॉक, क्योंकि उन्होंने भी अभी एक ग्रेट डेन लिया था लीडो, और कुछ रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले मेरे पास जो मेरा डॉग था लैब, वो 11-12 साल का हो गया था, उसकी डेथ हो गई ड्यू टू सम रीजंस। तो उसके बाद मींस, मतलब समझ सकते हो अगर आपने डॉग रखा है कि क्या कैसा फेज रहता है। उसके बाद जब ये आया ना, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट दिया उन्होंने मुझे, और इसको लेने हम लोग बनारस गए थे, बनारस से बाय कार इसको लेकर आए हैं। पूरी हैंकॉक की यही स्टोरी है, बाकी भाई साहब बड़े मज़े करते हैं, दिन रात खेलते हैं, खाते हैं, खेलते हैं और सोते हैं सिर्फ। बाकी यार आपके ऊपर है, बहुत लोग कह रहे हैं कि रॉटवीलर बहुत एग्रेसिव डॉग होता है, अपने ओनर को मार देता है, बाइट कर लेता है, बच्चों के साथ नहीं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर है, आप किसी भी डॉग को बुरी तरीके से रखोगे, मेंटली प्रेशर में रखोगे, वो एग्रेसिव होगा ही। आप उसको कनेक्ट रखो, क्योंकि डॉग्स कुछ नहीं समझते, सिर्फ आपके इमोशन समझते हैं। तो यार बस यही है, अच्छे से रखो, अगर आप डॉग की केयर नहीं कर सकते तो अडॉप्ट या कुछ भी मत करो उसको, वो एज अ फैमिली मेम्बर आपके रहेगा, आपके साथ एज अ फैमिली मेम्बर अटैचमेंट रखना पड़ेगा। ये नहीं ले लिया, छत पे छोड़ दिया, बांध दिया, ऐसा कुछ नहीं भाई, उसको अपने साथ रखो, अपने साथ उसको अच्छे से रखो। और भाई साहब देखो अभी सो रहे हैं, सो गए भाई साहब, जहाँ ठंडा मिला सो जाते हैं भाई साहब। इन लोगों को थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि कोट यार बहुत थिक है इसका,
तो भाई साहब सो रहे हैं सुकून से, सो जाओ सो जाओ। तो अबे भैया को मैं एक बार और थैंक्स कहना चाहूँगा यार, मतलब थैंक्स बहुत छोटा सा वर्ड है बट उसके पीछे बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं जो इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करने में मैं अच्छा हूँ नहीं, बट यार बहुत बहुत बड़ा थैंक्स, उन्होंने लाइफ का इतना प्रीशियस गिफ्ट दिया है ना, मतलब ये चीज़ क्या बोलूँ यार, बहुत ही प्रीशियस है मेरे लिए। मौली इन दी हाउस, क्या सामान तो रख दोगे, सामान रखे बिना कहाँ जाओगे। हैंकॉक, कौन आया हैंकॉक, अबे डरो नहीं बैठ जाओ, चले भैया सही है। हाँ बैठो, हैंकॉक। तो ये हैं उज्जवल भाई साहब, एक दो व्लॉग में शायद आपने देखा होगा, अभी तक देखा है? नहीं नहीं देखा नहीं। तो उज्जवल पहचान गए, पहचान गए नो अबे आज बहुत खेल रहा है, एक्टिव है, बढ़िया सही है। तो उज्जवल मेरा स्कूल फ्रेंड है और बहुत टाइम से हम लोग मतलब बढ़िया दोस्त हैं, एकदम बेहतरीन वाले, बढ़िया दोस्त एकदम लैटरीन समझ रहे हो ना, अब समझ गए होगे यार तुम लोग। तो अब जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर खान के अलीगंज वेटनरी क्लिनिक, आज भाई साहब के वैक्सीनेशन है जैसे कहा बताया, काटने नहीं वो साला मुँह में धर ही लेता है, अभी दांत निकल रहे ना, अबे यार गेयर वेयर सब छोड़ जाते, खा पी रहा है मस्त एकदम। आ गए हैं अलीगंज वेटनरी क्लिनिक और अंदर तो मैं शूट नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं यार, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा शूट वूट करा नहीं जाता, करने यार क्या फ़ायदा कोई ऑब्जेक्शन करे कुछ करे। तो मैं आके आप लोग को दिखाता हूँ कितने का क्या वैक्सीनेशन हुआ, जो भी है सब दिखाता हूँ, पहले इसको ले जाओ। तो भाई साहब का वैक्सीनेशन हो गया है, तो भाई के पहली वैक्सीन लग गई भाई साहब के, और चिल्लाया भी नहीं आज, और ये इनका बना है कार्ड अलीगंज वेटनरी क्लिनिक का। मुझे बहुत लोगों ने अलीगंज वेटनरी क्लिनिक रिकमेंड किया, मींस 80% लोगों ने डॉक्टर खान और यहीं पे अलीगंज वेटनरी क्लिनिक जो भी हैं यहाँ पे उन रिकमेंड किया है। और ये भैया इनका कार्ड बन चुका है जिस पे ये देखिए आज की डेट, वैक्सीन के दोनों स्टिकर क्योंकि दो वैक्सीन मिक्स करके लगाई जाती है, और नेक्स्ट डेट ऑफ वैक्सीनेशन जो इसका बूस्टर लगेगा, क्योंकि वैक्सीन्स में एक वैक्सीन लगती है सेकेंड बूस्टर लगता है, और ये डॉक्टर के साइन, और ये डिवॉर्मिंग की डेट क्योंकि अब इसकी डिवॉर्मिंग भी होनी है, नेक्स्ट डिवॉर्मिंग इसकी होनी है 14 तारीख की। अरे यार ये बंद नहीं हो रहा, हो गया। और बाकी यार कुछ थोड़ा सा भी इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी लास्ट टाइम, तो इंजेक्शन्स वगैरह लगे थे, तो अब इसका ये प्रोबायोटिक शुरू हुआ है जो कि मैंने खरीदी। तो बेसिकली रेट की अगर मतलब प्राइसिंग की बात करी जाए तो वैक्सीन के जो भी नॉर्मल रेट्स हैं, मेरे को तो फर्स्ट वैक्सीनेशन पड़ा 700 रुपीज़ का, क्योंकि हाँ यही पड़ता है, क्यों इतना ही पड़ता है यार। तो कोई बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि एक्सपेंसिव है ये जगह और ये, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप आओ, बात उसकी नहीं होती, हम लोग इंसान हैं, हम लोग तो इतना बोल लेते हैं अपनी परेशानियाँ, डॉग्स और एनिमल्स बोल नहीं पाते हैं। तो बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करो आप लोग जो भी आपके एरिया में, और लखनऊ वालों को मैं रिकमेंड करूँगा अलीगंज वेटनरी क्लिनिक भाई ज़रूर विजिट करो एक बार आके, तो सारी सर्विसेज आपको अच्छी ही मिलेंगी यहाँ पे। कोशिश करना चाहिए कि स्ट्रे डॉग अडॉप्ट। हाँ, और अडॉप्शन की बात रही तो अडॉप्शन के मैंने भी कई बार कई पोस्ट डाले हैं, तो लोगों ने मतलब ये सबसे पहले पूछते हैं कौन सी ब्रीड का कौन सी, भाई डॉग्स डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे उज्जवल है, इसके घर में 3 स्ट्रे डॉग्स हैं, और एक तो हम लोगों ने स्कूल टाइम पे अडॉप्ट किया था जब हम लोग स्कूल में थे, है ना, वो बीमार था, उसके चोटें लगी हुई थी, उसको ये लेके गया था, उसके बाद आज उसकी कंडीशन देख लो भाई, क्या मस्कुलर हो गया है भाई, वो खा पी के एकदम बेहतरीन हो गया है। तो यही यार कोशिश है, अडॉप्शन की जब बात आए तो यार ब्रीड का मत पूछो, अगर आप रियल डॉग लवर या कुछ हो तो एक अडॉप्ट करो जितना कर सकते हो, अब मारो नहीं यार किसी कुत्ते को। मैं डेली कुछ ना कुछ सुनता हूँ, ऐसे भी रिसेंट में क्या हुआ था, कौन था वो नकली सरदार वाला जो सीन था, गोली मार दी उसने यार कुत्ते को, गोली मार के वीडियो बना के आप रील्स बना रहे हो। तो भाई मैं कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं इसमें कहना चाहूंगा बट लेकिन यार ये कोई चीज नहीं है, ऐसा क्यों ही करते हो भाई, इतने अच्छे जानवर हैं, देख रहे हो आराम से सो रहा है, सुकून से सो रहा है। तो भाई साहब के वैक्सीनेशन लग गया, ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि आपको हैंकॉक से मिलाना बहुत टाइम हो गया था, अप्रॉक्स एक महीना होने जा रहे हैं इसको घर आए हुए, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, अभी तक कोई व्लॉग नहीं कर पाया था, तो आज चांस मिला, वैक्सीनेशन भी दिखा दी और इसकी थोड़ी डिटेल दे दी। तो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, पेंड करते हैं अब, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, अब देख रहे हो सब बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, अब यहाँ से सीधे घर ही जाएंगे और कहीं जाने का कोई मतलब नहीं है, और इनको भी आराम करने को देंगे क्योंकि इनका भी वैक्सीनेशन हुआ है, ये खाए भी नहीं है सुबह से कुछ, तो अभी इनको खाने पीने को देंगे वैक्सीनेशन। खाने के लिए बोला है देने के लिए? हाँ आप शुरू कर दो, दिन में 3 बार, और दही वगैरह बोला दोपहर में। तो भाई चलते हैं अपने घर के लिए, तो इनके साथ कुछ नहीं, खाएंगे पियेंगे खेलेंगे, बाकी जो एक्टिविटीज़ इनकी है थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर आपको
दिखाता हूँ कि कैसे क्या रहता है, इनकी एक्टिविटीज हर चीज़ शेयर करता हूँ नए व्लॉग में। ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग था, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक लाइक कर देना। और मेरा इंस्टाग्राम अगर अभी तक नहीं देखा तो ये देख लो भाई, हैंगकॉक की बहुत सारी रील्स वायरल हो रही हैं तो देख लो, ये रहा इंस्टाग्राम मेरा। ठीक है, चलो मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में।